प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कहा कि सरकार और संगठन बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमने राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया है। आज राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जन को फायदे हो रहे हैं, तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार की ओर से गलत नीतियों का हमने भरपूर विरोध किया है। चाहे किसानों को काले कानून को लेकर हो, युवाओं को रोजगार को लेकर, या महंगाई या अन्य कोई भी मुद्दा हो, हमने उसकी गलत नीतियों का विरोध किया है। राजस्थान में हमने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। अपराधी किसी भी जाति या धर्म का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपराधी अपराधी होता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस में काम किया। भाजपा के पास आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह अपराध को लेकर विधानसभा में हंगामा करती है। उन्होंने उदयपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उदयपुर की घटना में भाजपा हिंदू और मुस्लिम रूप देना चाह रही थी। हम जनता के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं।